तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम इंडियन। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये RTR बाइक में जो ये जो मीटर कंसोल रहता है, इसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है और कैसे क्या काम करता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटा मोटा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है ये RPM मीटर है, ये RPM है। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये फ्यूल गेज है, यहाँ पे कितना फ्यूल है वो दिखाता है। और ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम दिखाता है, कितना टाइम हो रहा है। और यहाँ पे स्पीड दिखाता है, कितना स्पीड से आप लोग बाइक चल रहा है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड मतलब ये चेंज होता रहता है, जितना स्पीड से आप चलाते हैं मैक्सिमम टाइम पे उतना स्पीड यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे गियर इंडिकेटर दिखाएगा कौन से गियर पे है। और यहाँ पे है ऑडोमीटर, और यहाँ पे ऑडोमीटर चेंज होता है, ट्रिप ए ट्रिप बी भी होता है। ये ऑडोमीटर है, ये तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लाइट है, यहाँ पे चेक इंजन लाइट है, यहाँ पे ABS का लाइट है। और ये ABS का लाइट बंद हो जाता है जब चलता है, ABS भी बंद हो जाता है, और ये चेक इंजन लाइट भी बंद हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसका जो है ट्रिप कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे एक है सेट का, यहाँ पे सेट का है, और यहाँ पे दूसरा है मोड का। तो इसको आप जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ट्रिप ए, और फिर से एक बार प्रेस करने से हो जाएगा ट्रिप बी, और फिर से करने से आ जाएगा यहाँ पे लैप। और यहाँ पे देख सकते हैं लैप टाइमर मोड, ठीक है। सो फिर से प्रेस करने से यहाँ पे हाई स्पीड मोड दिखाता है, कितना स्पीड पे आपका बाइक मैक्सिमम गया है चला है। और फिर से प्रेस करने से आपका आ जाता है 0 to 60, कितना सेकेंड में ये बाइक मतलब अचीव किया है। मैं थोड़ा आराम से चलाता हूँ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 9.9, और फिर आ गया ये बेसिक पे ओडो पे। सो आप दिखाते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप लोगों को ऐप का ज़रूरत होगा, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये TBS कनेक्ट करके ये जो ऐप है TBS कनेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये TBS कनेक्ट, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। और ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा उसको आप लोगों को अलाउ कर देना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी परमिशन इस यहाँ पे मांगेगा सबको अलाउ कर देना है। और उसके बाद ब्लूटूथ को पहले ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर से यहाँ पे कीप ओनली वाइल यूजिंग चेंज टू ऑलवेज अलाउ, इसको कर दिए कीप ओनली वाइल यूजिंग। और उसके बाद ये ऐप को ओपन करिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप TBS स्मार्ट कनेक्ट करके है, और इसको ऐसे ऐसे करके स्लाइड करके यहाँ पे लॉगिन करना होगा। सो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, सो मैं यहाँ पे फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। सो मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अपना नाम, ईमेल एड्रेस और सिटी ये सब डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना नाम ही देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सैम इंडियन दे देता हूँ, ओके। इसको एक काम करते हैं कैपिटल में कर देते हैं, ओके। और यहाँ भी ईमेल एड्रेस देना होगा, और नीचे सिटी देना होगा, सिटी सिटी कोलकाता। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देके यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट करना होगा। तो मैं ईमेल एड्रेस देके सबमिट कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं ईमेल एड्रेस डालने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, और OTP यहाँ पे पुट करना है। सो 9861128612। सो इसके बाद कंटिन्यू,
और जैसे आप कंटिन्यू करोगे, ओके ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, ऐड व्हीकल प्लस का सिंबल, और यहाँ पे एक तो है ऐड एक्सेसरीज। सो हम लोगों को ऐड व्हीकल्स करना है, तो ऐड व्हीकल्स यहाँ पे करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चैसिस नंबर मांग रहा है, चैसी जो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद जो चैसी नंबर है और फ्रेम नंबर वो चाहिए। सो ये आप अपना जो ब्लू बुक है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और जो साइड में जो चैसी है अपना उस पर भी है। सो मैं यहाँ पे चैसी नंबर इनपुट कर देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना चैसी नंबर डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना मॉडल नंबर आ गया है बाइक का, यहाँ पे अपाची लिखा हुआ है, और इंजन नंबर, डेट ऑफ परचेस सब यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर इनपुट करना है और बाइक का निकनेम देना है। सो रजिस्टर मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बाइक का निकनेम ये भी मैं सैम इंडियन दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे करना है सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे दिखा रहा है योर बाइक इज गेटिंग रेडी, और उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, सबमिट नाउ, स्किप फॉर नाउ, ओके स्किप फॉर नाउ। और अभी यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन का परमिशन मैंने नहीं दिया हुआ है, सो लोकेशन का परमिशन देना होगा यहाँ पे ऑलवेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी नंबर भी आप डाल सकते हैं, इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी नंबर, सो अभी मैं इमरजेंसी नंबर कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाद में ऐड कर दूंगा। सो इसको करने के बाद और अभी बाइक का सेटिंग करना पड़ेगा, बाइक से इसको पहले लाइट ऑफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे बाइक में आपको जाना पड़ेगा, ऑडोमीटर पे आप इसको प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा देर प्रेस करके रखने से यहाँ पे आएगा सेव सेट एमपीएच मोड, फिर एक बार प्रेस करने से आएगा क्लॉक सेटिंग, फिर एक बार प्रेस करने से आएगा ब्लूटूथ पेयरिंग मोड। ये जैसे ही ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे आएगा तब इसको आपको कनेक्ट करना है। अब इसको पहले यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे नो, यहाँ पे दिखा रहा है नो डिवाइस कनेक्टेड, और यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं TVS का जो ये सीरियल नंबर है ये आ गया है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 6 6 कोड है, यहाँ पे 6 कोड है, ये कोड यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा मोबाइल पे अपना। सो मैं ये जो कोड है इनपुट कर लेता हूँ, 1। तो इसको इनपुट करने के बाद यहाँ पे पेयर करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड, और यहाँ पे दिखा रहा है हाय सैम इंडियन, और यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। सो इसके कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिखाता है बैटरी, और यहाँ पे कितना नेटवर्क है वो दिखाता है, और एक सेकेंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है ड्यूरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, और उसके बाद है यहाँ पे स्टॉप राइड, तो अगर स्टार्ट राइड स्टॉप राइड करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे बाइक का यहाँ पे इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर लोकेशन डालना होगा तो आप लोकेशन डाल के मतलब चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सर्विस सेंटर का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्विस सेंटर, अगर आपको नियर बाई कोई सर्विस सेंटर चाहिए या फिर डू नॉट डिस्टर्ब ये सब ऑन करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स है। मैनुअल कनेक्ट, बाइक का निकनेम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। सो और यहाँ पे है मैप, यहाँ पे अगर कोई
मतलब किसी भी लोकेशन पे आपको जाना है, तो यहाँ पे मैप सेट कर देने से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता रहेगा, लेफ्ट राइट ऐसा टर्न एंड निकल दिखाता रहेगा। और कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल आ जाता है, यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल आ जाता है। जैसे ही डिसकनेक्ट होगा, मैं एक बार यहाँ से डिसकनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसको ब्लूटूथ को ऑफ कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लूटूथ का सिंबल निकल गया है। और कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस चाबी ऑफ कीजिए, अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, और उसके बाद ये जो है TVS का ऐप, इसको ऑन कर लीजिए एक बार। TVS का ऐप ऑन करने के बाद ये बैक मीटर को ऑन कीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे भी नोटिफिकेशन दे दिया है कनेक्टेड टू Apache। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड। सो गाइस, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बी सेफ, राइट सेफ, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।